नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है भारत के वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 147 के ऊपर। आर्टिकल 147 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का, ये आर्टिकल क्या कहता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट आज भी यदि कोई अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में अमेंडमेंट लाती है, या ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट, जिसको प्रिवी काउंसिल कहा जाता है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर इश्यू करती है, तो वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा। यानी भारत की सुप्रीम कोर्ट यानी पूरा भारत की सरकार, यानी कि पूरा भारत, यानी भारत का आज का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत की पूरी गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट और प्रिवी काउंसिल, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। और ये किस तरह से उसका उपाय क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और पहले ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, मैं इसका अंग्रेजी भी पढ़ूंगा और हिंदी भी आपको पढ़ूंगा। ना आपको अंग्रेजी समझ में आएगा ना हिंदी समझ में आएगा, मतलब इसका अंग्रेजी समझने में मुझे दो दिन लगे थे, पूरे दो दिन लगे थे। इतना जानबूझ के जवाहरलाल गाजी ने और राजेंद्र प्रसाद, ये इन दोनों का किया कराया है, इन दोनों ने जानबूझ के इतनी कठिन अंग्रेजी लिखी है कि आप अंग्रेजी भी नहीं समझ पाओगे। उसका हिंदी में भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि राजेंद्र प्रसाद ने ये हिंदी लिखा है कि वो हिंदी ऐसा है कि वो हिंदी भी आप समझ में नहीं पाओगे। आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 रेफरेंसेस टू एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ as to the interpretation of this constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act 1935 including any enactment amending or supplementing that act or any order in council or order made thereunder or of the Indian Independence Act 1947 or ऑफ एनी ऑर्डर मेड देयर अंडर। ये आया आर्टिकल, यहां पे खत्म होता है। यानी इतने सारे शब्दों मैंने बोल दिए, एक भी फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक ही फुल स्टॉप आखिर में आता है वो ही, और कॉमा भी वैसे देखो तो एक भी कॉमा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉमा 1935 वो एक्चुअली कॉमा नहीं हुआ, वो सेंटेंस सेपरेटर नहीं है सिर्फ वो, तो पूरा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ दिया, कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं आता। अब मैं इसका हिंदी पढ़ के देता हूं, हिंदी भी आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी मुश्किल हिंदी राजेंद्र प्रसाद ने यहां पे लिखी है। निर्वचन, पहले तो निर्वचन शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता, आप में से कितनों को पता होगा, उसका अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन। निर्वचन, निर्वाचन नहीं, ये अलग शब्द है। देखिए, जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सुनने वाला जो आम आदमी है वो पढ़ेगा तो कुछ और ही समझ के बैठेगा। मैं फिर से पूरा आर्टिकल पढ़ता हूं हिंदी में। निर्वचन, इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम के संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है, अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के, अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का निर्देश है। यह पूरा हिंदी वाक्य मैंने बोल दिया, कितने शब्द हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करीब 80 जितने शब्द होंगे, 80-90 जितने शब्द हैं, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता, और जो कॉमा आता है वो भी सेंटेंस सेपरेटर की तरह नहीं आता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कॉमा 1947, वो कॉमा निकाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से पूरे में मुश्किल से दो कॉमा आते हैं, ये इसकी हिंदी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल करो आर्टिकल 147 हिंदी, आपको मेरी ऑर्कुट कॉमे, ये वीडियो है उसकी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद दोनों आपको इसी वीडियो के कमेंट में, पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। आपको ये हिंदी नहीं समझ में आएगा, आप हिंदी किसी एमए वाले को पढ़ के बताओ, वो भी नहीं समझ पाएगा पहली दो तीन बारी में। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं क्या होता है। इसमें सपरिषद शब्द लिखा है, परिषद का अर्थ होता है काउंसिल, अंग्रेजी में साफ-साफ शब्द लिखा है काउंसिल, लेकिन जवाहरलाल गाजी और राजेंद्र प्रसाद ने यह नहीं लिखा कौन सी काउंसिल,
और काउंसिल शब्द का अर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा गया, काउंसिल शब्द का अर्थ होता है प्रिवी काउंसिल यानी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीन चीजों का संविधान में मेंशन है, गवर्नमेंट आर्टिकल 147 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और काउंसिल द्वारा यानी कि प्रिवी काउंसिल द्वारा बनाया गया आदेश। तो भारत के संविधान में इसका मेंशन ही क्यों होना चाहिए, और मेंशन है तो भी क्या है, मेंशन है तो ये कहा गया है कि ये एक्ट है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा तो इस एक्ट को वो फाउंडेशन में रखेगा, यानी इस एक्ट के बाहर कुछ इंटरप्रिट नहीं कर सकती। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई करता है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और काउंसिल द्वारा पास किए गए सारे ऑर्डर, प्रीवी काउंसिल यानी ऑर्डर यानी जजमेंट। इतना ही नहीं, उसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो वो भी लागू पड़ेगा, यानी आज की तारीख में यदि ब्रिटेन की पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कोई अमेंडमेंट लाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई होगा, वैसा इसमें साफ साफ लिखा है। अब 1947 के बाद क्या प्रिवी काउंसिल ने कोई सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया है? पब्लिकली नहीं दिया, लेकिन यदि कॉन्फिडेंशियली ऑर्डर दिया हो तो हम कुछ बोल नहीं सकते, उसके लिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनका नार्कोटेस्ट करना पड़ेगा। वो लंदन अक्सर जाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज लंदन अक्सर जाते हैं, प्रिवी काउंसिल के जजों से भी मिलते रहते हैं, और उसमें यदि प्रिवी काउंसिल के जज ने उनको आर्टिकल 47 दिखा के कहा हो कि देखो हमारे पास पावर है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे पास पावर है कि हम तुम्हें ऑर्डर दे सकते हैं इंटरप्रिटेशन के मुद्दे पे, और उन्होंने खानगी में कॉन्फिडेंशियल कोई ऑर्डर दिया हो और उस ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है और उसको नकारा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यही है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रिवी काउंसिल यदि कोई ऑर्डर देती है, और ऑर्डर किसके अंडर, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को वो मानना पड़ेगा। ऐसे भारत के संविधान में जवाहरलाल गाजी और राजेंद्र प्रसाद ने लिख दिया है। अब सवाल आता है कि हमारे संविधान की भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? भाई कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है कि जैसे आप TY BSc का मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वो तो मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो तो होगा ही कॉम्प्लिकेटेड। पर कभी कभी सवाल आता है कि भाई सरल चीज जो कि ऐसी भाषा में लिखी जा सकती है कि 10वीं कक्षा का विद्यार्थी पढ़े, उसको भी मुश्किल भाषा में क्यों लिखा गया? जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंग्रेजी में है, तो आप किसी भी 12th क्लास के इंग्लिश मीडियम लड़कों को दिखा दीजिए, मैं तो कहूंगा 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम लड़के को दिखा दीजिए, भाई अंग्रेजी में है तो इंग्लिश मीडियम के लड़कों को तो दिखाना पड़ेगा। वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के पूरा का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मीनिंग बता देगा, जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है आप बीए इंग्लिश को पढ़वाइए उसके पास, वो पूरा चार बार पढ़ने के बाद भी उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन से में क्या लिखा है। तो जानबूझ के कभी कभी क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं कि यदि तुम्हें कोई सच बात छिपानी है, कोई ऐसी बात तुम्हें छिपानी है जो कि दूसरों को पता चलेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी या तो तुम चाहते नहीं होगे वो, तो तुम बात को कॉम्प्लिकेटेड कर दो। और इसलिए आर्टिकल 147 को राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल गाजी ने कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में कि आप खुद पढ़िए इसका, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी तो दूर, हिंदी पढ़िए, आपको हिंदी पढ़ने में समझने में घंटों के घंटों निकल जाएंगे। वो क्यों इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा 147, क्योंकि वो एक सच छिपाना चाहते थे। कौन सा सच? कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ वो एग्रीमेंट किया है कि 1947 के बाद भी अंग्रेजों की सर्वोपरिता चालू रहेगी, वो इस बात को छिपाना चाहते थे, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज उन्होंने ड्राफ्टिंग की है। तो सवाल आता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया, एक ही क्लॉज कॉम्प्लिकेटेड रखते, बाकी सब ऐसी भाषा में लिखते कि 10वीं कक्षा का आदमी समझ जाए। तो यदि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यदि सिंपल लैंग्वेज में और एक क्लॉज यदि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा तो सीधा उभर के आ जाएगा, उछल के आ जाएगा। देखो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, करीब करीब 400 मान लो, पूरा लगभग कुछ 200 पेज का डॉक्यूमेंट आता है, मतलब इस तरह के पेज में बड़े हैंडराइटिंग से लिखा जाएगा तो 400 पेज हो जाएंगे, नॉर्मल हैंडराइटिंग में, ऐसे हैंडराइटिंग में लिखा जाएगा तो 200 पेज का डॉक्यूमेंट बनेगा। अब 200 पेज में सारे के सारे आर्टिकल यदि सरल हिंदी में लिखे, सरल अंग्रेजी में लिखे, और एक आर्टिकल जिसमें यह सच छिपाना है वो कॉम्प्लिकेटेड में लिख दिया, तो उभर के आ जाएगा कि भाई इसको भी सिंपल इंग्लिश में लिखो। तो आदेश उनका
पर्पस क्या था कि भाई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखो कॉन्स्टिट्यूशन को कि आदमी उसके 10-15-20 क्लॉज पढ़े उसमें उसके दिमाग का ऐसा दही हो जाए कि बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन का दोबारा जिंदगी में कभी हाथ ना लगाए। मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज कि वो उसको जैसे कि मैं आपको बहुत इतना परेशान करूँ आप किसी गवर्नमेंट की ऑफिस में या अदालत में इतना परेशान करूँ इतना पर कि 10 दिन में आप इतने परेशान हो जाओगे 11वें दिन आप अपनी शक्ल दिखाने नहीं आओगे। तो यही उनके संविधान लिखने के पीछे मोटिव या मंशा थी कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखो कि आम आदमी तो क्या कोई 12th का पढ़ा लिखा लड़का भी उसको पढ़े तो वो 80वें 90वें क्लॉज में आते आते उसके दिमाग का ऐसा दही हो जाए कि वो बाद में जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ लगाने की हिम्मत ना करे। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक क्लॉज इतनी मुश्किल हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हैं कि आदमी समझ ना पाए। तो अब सवाल आता है कि ये उन्होंने शर्त स्वीकारी क्यों? जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी ने, दुरात्मा गांधी उस समय जीवित नहीं थे, ये उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन जो शर्त थी कि अंग्रेजों की सर्वोपरिता चालू रहेगी वो उस समय दुरात्मा गांधी जीवित थे तो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकाला नहीं जा सकता। मैं वल्लभ भाई पटेल पे ये इतनी जिम्मेदारी इतनी नहीं थोपूंगा क्योंकि उस समय वो कांग्रेस में बहुत जूनियर थे, मतलब कांग्रेस में पूरी सत्ता शासन ये दो लोगों ने ही मोनोपोलाइज करके रखी थी, जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी और मुस्लिम लीग का पावर पूरा जिना के हाथ में था। तो ये तीन लोग की तूती बोलती थी। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो इस फिरात में थे कि कब थोड़ा बहुत पावर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पावर आता तो वो दूसरे दिन जवाहरलाल गांधी को नौकरी से निकाल के सारी बागडोर वल्लभ भाई पटेल को देने वाले थे। वो एक बार हो भी चुका था, वो एक पूरे मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कांग्रेस के जब कार्यकर्ताओं ने डेलीगेट चुन के भेजे थे तो पूरे इंडिया में से कुछ 26 या 30 जितने डेलीगेट आए थे जिनमें से 4 डेलीगेट ने बोला कि जवाहरलाल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ और बाकी 26 ने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाओ। लेकिन दुरात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकाया कि तू बैठ जा, और उस समय दुरात्मा गांधी का होल्ड था मीडिया पे, इसलिए ऐसा नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डर के बैठ गए, पर उन्होंने देखा कि भाई पहली बाजी इनको जीत लेने दो, दूसरी बाजी में जब एक पॉइंट के बाद तो जैसे जैसे दुरात्मा गांधी की बात सच पता लगेगी लोगों को कि ये तो बनावटी खोखला आदमी है, वैसे वैसे अपने आप मेरे हाथ में बाजी आ जाएगी, तो वो टल गया। पर ये जो क्लॉज है उसका श्रेय, ये ड्राफ्टिंग का श्रेय दो लोगों का जाता है, दुरात्मा गांधी सॉरी जवाहरलाल गांधी और राजेंद्र प्रसाद। संविधान में सबसे ज्यादा ड्राफ्टिंग की है वो राजेंद्र प्रसाद ने की, अंबेडकर ने नहीं की। अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स लिखा था, ड्राफ्ट लिखे थे बेसिक, उसके बाद उनको कमिटी ने लगभग अनदेखा कर दिया था क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल वोटिंग की मांग की थी, जबकि राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल गांधी यूनिवर्सल वोटिंग नहीं आना चाहते थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के यूं समझो कि शुरुआत के 4-5 महीने बाबा अंबेडकर की बात सुनी जाती थी, उनको बोलने का मौका दिया जाता था, उसके बाद उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया था। तो यह जो शर्त स्वीकारी गई कि भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटेन के अंडर में काम करेगा, यानी कि आखिरी हुक्म प्रिवी काउंसिल का या ब्रिटेन के पार्लियामेंट का रहेगा, वो शर्त दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी ने क्यों मानी? क्योंकि अंग्रेज जो उद्योगपति थे टाटा बिरला साराभाई बजाज वो अंग्रेज के अंडर में थे। वो अंग्रेज के अंडर में क्यों थे? क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां सारी अंग्रेजों के मशीनरी पे चलती थी, यदि अंग्रेज उनको स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर देते थे उनकी फैक्ट्री 2 दिन में बंद हो जाती। तो उन्होंने अंग्रेजों ने ये 4-5 जो बड़े उद्योगपति थे उनको बोला कि भाई तुम दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी दोनों को समझाओ कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, और मीडिया पूरा अंग्रेजों के हाथ में था, टाइम्स ऑफ इंडिया और पूरा अंग्रेजी मीडिया, और जो हिंदी मीडिया था वो ये भारत के सेठ लोगों के हाथ में था, और दुरात्मा गांधी पूरा मीडिया के ऊपर टिके हुए थे कि मीडिया उनकी बात छापता था और मीडिया रोज उनके फोटो छापता था कि ये महात्मा है, और उसके आधार पे उनका पब्लिक पे बोलता। और दुरात्मा गांधी इस बात को बराबर समझते थे कि यदि उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी तो दूसरे दिन अंग्रेजी ये लोग सेठ लोगों को कहेंगे कि दुरात्मा गांधी के प्लग खींच लो और ये लोग मेरा मीडिया कवरेज बंद कर देंगे तो मैं हीरो से जीरो बन जाऊंगा। इसलिए हमेशा दुरात्मा गांधी ने हमेशा अंग्रेजों की बात को प्राथमिकता दी है। तो वो शर्त स्वीकारने का कारण ये रहा कि ये दोनों नेता थे दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी, वो भारत के अमीरों के सामने विद्रोह नहीं करना चाहते थे, और भारत के जो अमीर परिवार थे उस समय के वो अंग्रेजों के सामने विद्रोह नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी मशीनरी सारी अंग्रेजों के स्पेयर पार्ट पे चलती थी। इसलिए उन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में ये सारी बातें मान ली कि भाई कि 1947 के बाद भी
ब्रिटेन की पार्लियामेंट के और प्रिवी काउंसिल के ऑर्डर है वो चालू रहेंगे। अब वो बात भारत के संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में तो सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान के ऊपर जाएगा। इसलिए फिर आर्टिकल 147 में ये साफ साफ लिख दिया गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में, लेकिन साफ साफ लिख दिया गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होगा। उतना ही नहीं, उसमें यदि कोई अमेंडमेंट होता है आज की तारीख में तो वो भी उसके ऊपर लागू होगा, भारत की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू होगा। और प्रिवी काउंसिल उसके ऊपर कोई ऑर्डर निकालती है, जजमेंट देती है आज की तारीख में, तो वो भी लागू होता, वो आर्टिकल 147 में लिख दिया। और फिर सवाल आए कि इस बात को भारत के लोगों से छिपाया कैसे जाए, इसलिए ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिख दिया कि इसको आम आदमी तो छोड़ो, आप किसी वकील को दिखाओगे ना तो भी वो 3-4 घंटे बाद ये हाथ धो देगा कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। आप किसी रिटायर्ड जज के पास जाओ तो ये भी है हिंदी, अंग्रेजी छोड़ो हिंदी को भी समझ में नहीं पाएगा। और फिर अकेला एक क्लॉज यदि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखता तो वो एक्सपोज हो जाता, इसलिए फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ऐसी भाषा में लिख दिया कि आम आदमी उसको समझ में नहीं पाए। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लेना चाहिए। अमेंडमेंट में हमें ये लिखना चाहिए कि आर्टिकल 147 में कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है उसमें भारत के नागरिक जो कहेंगे वो अंतिम माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी विदेशी सत्ता से, विदेशी सत्ता हमें ना मेंशन करना हो, कि भारत के बाहर किसी भी सत्ता रहे ही सत्ता से इंटरप्रिटेशन के मामले में ना कोई रेफरेंस लेगी, ना कोई मशवरा करेगी, और ना ही उनसे कोई किसी तरह का रेफरेंस लेगी। तो इस तरह से हम उसका पूरा ड्राफ्टिंग मैंने सेकंड कमेंट में रखा है कि हमें आर्टिकल 47 के लिए अल्टरनेट ड्राफ्ट क्या रखना चाहिए, यानी आर्टिकल 147 हमें कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए और उसकी जगह 147 ए रख देना चाहिए, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का में इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो भारत के नागरिकों का मंतव्य वो अंतिम रहेगा और वो सुप्रीम कोर्ट को जज को मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज यदि भारत के नागरिकों का मंतव्य नहीं स्वीकारेंगे तो उन्हें जेल या फांसी की सजा हो सकती है, ताकि उनके भारत के नागरिकों का मंतव्य स्वीकार नहीं पड़े। वो मेरे और भी मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज किए है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, एग्जीक्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय मेजोरिटी अप्रूवल, उसमें वो ऑलरेडी कवर हो जाती है, पर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते हैं। अब कुछ और इससे जुड़ी हुई बातें आते हैं कि दीक्षित जी का एक वीडियो है कि 90 इंडिया है वो 1990 ईयर्स की लीज पे है, और उसी के संदर्भ में जब मुझे लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई इसके बारे में आपका क्या मानना है, तो मैंने R&D करना शुरू किया और उसमें मुझे यह आर्टिकल मिला कि भाई 99 साल क्या अंग्रेजी पार्लियामेंट चाहे तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट करके ले सकती है। तो वो जो 99 ईयर्स की लीज के डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा कहा जाता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को दिखाए जाते हैं। कब दिखाए जाते हैं? कि एक प्राइम मिनिस्टर जब रिटायर होता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है तो ओथ देने के लेने के बाद तुरंत उसको साइन करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट पे, और वो जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं वो पब्लिक को आज तक नहीं दिखाया गया। हर एक नया प्राइम मिनिस्टर जब ड्यूटी पे आता है तो राष्ट्रपति उसको प्राइम मिनिस्टर का के लिए पहले इनवाइट करता है, फिर उसकी ओथ होती है, ओथ प्रेसिडेंट लेता है और उस पर जब वो साइन करता है एक कागज पे तभी वो उसको प्राइम मिनिस्टर के सारे पावर उसको हाथ में आते हैं, और जिस डॉक्यूमेंट पे वो साइन करता है वो पूरा डॉक्यूमेंट आज तक पब्लिक को नहीं दिखाया गया। और ऐसा कहते हैं कि शायद किसी मिनिस्टर को भी नहीं दिखाया शिवा की गिने चुने मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, और उस डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें लिखी है कि ट्रांसफर ऑफ पावर की जो सप्लीमेंट एग्रीमेंट है जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, वो उसकी कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो कहीं ना कहीं होगी, वो भी आज का प्राइम मिनिस्टर उसको फॉलो करेगा, और उसमें अब वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा यदि पब्लिश होता है तो और जानकारी आ सकती है। और ये सब RTI में नहीं आएगा, क्योंकि RTI का जो कानून है उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आता। और प्राइम मिनिस्टर जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है ओथ लेने के बाद, ऐसा कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं रहती, वो सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस में ही रहती है, वो कॉपी प्रेसिडेंट हाउस के बाहर नहीं जाते। अब ये सारे वेरीफाई करने पड़ेंगे किसी प्रेसिडेंट से पूछ के कि भाई जो डॉक्यूमेंट पे प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं उसमें इस तरह का कोई मेंशन है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट की सारी शर्तें इस पे लागू होगी। अब ये जो एक जो मैंने आपको बताया कि कारण क्या थे
कि अंग्रेजों की ये सारी शर्तें माननी पड़ी जवाहरलाल गांधी को और दुरात्मा गांधी को। एक कारण मैंने बताया वो भारत के उद्योगपतियों का, कि जो उस समय के जो भारत के 4-5 बड़े उद्योगपति थे वो अंग्रेजों की गुलामी से निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि अंग्रेजों ने स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए होते तो भारत के लोग स्पेयर पार्ट बनाना शुरू कर देते। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी को स्पेयर पार्ट बनाना आता है, लेकिन भारत में के लोग स्पेयर पार्ट बनाना शुरू करते तो वो 4 परिवारों की हो सकता है मोनोपोली खत्म हो जाती, दूसरे परिवार और या तो दूसरे कारीगरों का पूरा एक वर्ग आ जाता जो कि मशीनरी बनाने में एक्सपर्ट है। तो उनको अपना पावर कायम रखना था, इसलिए वो अंग्रेजों की एक के बाद एक सारी शर्तें मानते गए। एक और कारण भी ये हो सकता है कि उस समय राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस, मैं मोहन भाई या दुरात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, वो शायद जीवित थे और वो रूस में थे, और अंग्रेज जवाहरलाल गांधी को और दुरात्मा गांधी को इस बात पे दबाते थे कि यदि तुमने हमारी शर्तों को नहीं माना तो हम राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस को भारत भेज देंगे, तो तेरे तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब है, तू कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। उस समय का मैं आपको कांग्रेस और इंडिया का रवैया बताऊं कि 1938 में जब कांग्रेस में इलेक्शन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस को 80% वोट मिले थे, दुरात्मा गांधी के चमचे को सिर्फ 20% वोट मिले थे। यहाँ तक कि दुरात्मा गांधी ने बोला था कि यदि इनकी हार हुई, उनका चमचा था सीतारामैया पत्ता भी, यदि हार हुई तो मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊंगा। ये बात उन्होंने 1938 में, खैर ऐसे तो कोई बोलने के लिए ऐसे बोलते कोई रिटायर होता ही नहीं है पॉलिटिक्स में से। तो उसके बावजूद भी लोगों ने सुबह और कैंपेन बजट, उसका जो इलेक्शन का बजट था सीतारामैया पत्ता भी का, वो कम से कम 100 गुना होगा। सुभाष चंद्र बोस अपने पैसे से लड़ रहे थे जबकि दुरात्मा गांधी को टाटा बिरला अंग्रेज सब पैसा दे रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और उनके पैम्पलेट उनके अखबारों में इंटरव्यू आ रहे थे। उस समय जो टाइम्स ऑफ इंडिया था वो सुभाष चंद्र बोस को तो बहुत कम छापता था, महीने में एक आध बार, जबकि ये दुरात्मा गांधी की फोटो रोज आती थी। उसके बावजूद भी अधिकतर जिलों में तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस प्रचार के लिए पहुंच भी नहीं पाए थे, क्योंकि उनके पास इतना बजट ही नहीं था कि वो ट्रेन में पूरे भारत में घूमते। तो उन्होंने कुछ एक जगह स्पीच दी थी तो रेडियो पे भी उनकी स्पीच नहीं आई थी, तो जो कार्यकर्ता थे वो उनकी स्पीच हाथ से लिखते थे। उस समय साइक्लो स्टाइल था, जेरोक्स कुछ नहीं था, और उसकी हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपियां लोगों में बांटते थे, नोटिस बोर्ड पे चिपकाते थे, लोगों को पढ़ के सुनाते थे। और उसके बावजूद भी राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस को 80% वोट मिले, और ये 1938 में। 1946 के आसपास तो सुभाष चंद्र बोस की रेपुटेशन और इतनी बढ़ गई थी कि दोबारा यदि कांग्रेस में इलेक्शन होता तो दुरात्मा गांधी और ये जवाहरलाल गांधी को मुश्किल से 5% वोट भी नहीं मिलते, क्योंकि उस समय जो दुरात्मा गांधी का और जवाहरलाल गांधी का एक बड़ा जो वोट का हिस्सा था लाहौर और कराची और वो सारा एरिया, वो तो वैसे भी भारत से अलग हो चुका था, और बाकी जो भारत था उसमें तो इन दोनों की टके की इज्जत नहीं बची थी। तो यदि सुभाष चंद्र बोस भारत आ जाते उस समय तो जवाहरलाल गांधी है वो प्रधानमंत्री तो छोड़ो, कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अंग्रेजों ने कि हम सुभाष चंद्र बोस को वापस भारत भेज देंगे यदि आपने हमने शर्तें नहीं मानी, ये बात कह के जवाहरलाल गांधी और दुरात्मा गांधी को बराबर का धमकाया होगा और उनसे सारी शर्तें मनवा ली होगी। अब अंग्रेजों का मंशा ये होगी कि चलो भारत को आज इंडिपेंडेंस दे दो, और यदि 5-1 साल बाद 10-1 साल बाद भारत कमजोर हो जाता है तो हम प्रीवी काउंसिल में ऑर्डर पास करके या तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक्ट पास करके पूरा भारत फिर से टेक ओवर कर लेंगे। और इसलिए उन्होंने ये एक्ट रखा, ये इस तरह का प्रावधान रखा, इस तरह का ये क्लॉज रखा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कभी भी कानून पास करके भारत पे अपना मालिकाना हक क्लेम कर सकती है। और वो मौका नहीं मिला उनको क्योंकि सोवियत यूनियन पावरफुल आ गया, सोवियत यूनियन की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन है वो एक दूसरी लड़ाई में उलझ गए, और मीनवाइल जो भारत में प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन आया फिर उसकी वजह से भारत स्ट्रांग हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत का एकाकीकरण कर दिया और उसकी वजह से भारत और स्ट्रांग हो गया। तो उसकी वजह से अंग्रेजों को मौका नहीं मिला कि पूरा भारत को इस तरह से कब्जे में ला सके। पर अब मान लो फ्यूचर में भारत कमजोर हो जाता है तो अंग्रेजों के पास ये लीगल बेसिस है, ये लीगल बेसिस है कि देखो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में हमने ये लिखा है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है, तो ये लीगल बेसिस के आधार पर ये कर सकते हैं। तो एक तो आर्टिकल 147 हमें निकाल देना चाहिए, फिर हमें कॉमनवेल्थ से निकल जाना चाहिए क्योंकि कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन की सर्वोपरिता है। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स जब होते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं भी गेम्स होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं,
ओलंपिक गेम्स होते हैं इंडिया में, जब ओलंपिक गेम होते हैं तो सबसे पहली स्पीच कौन देता है, या तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, या तो इंडिया का प्रेसिडेंट, या तो इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कोई इंडिया का आदमी देगा। उससे पहले कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि मंच पे आएंगे, कुछ करेंगे, पर जो जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्पीच, कौन सा पॉलिटिकल अथॉरिटी स्पीच देगी, तो पहली पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वह उस देश का कोई वरिष्ठ मंत्री। जबकि कॉमनवेल्थ में हमेशा कहीं भी कॉमनवेल्थ गेम होती है तो या तो ब्रिटेन की क्वीन होती है, या तो ब्रिटेन का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, या मतलब कोई ब्रिटेन की कोई पॉलिटिकल एंटिटी होती है, उसका पोजीशन मेन होता है। जो जो होस्ट कंट्री होते हैं उसकी पोजीशन मेन होती है, जबकि ओलंपिक में आप देखो उल्टा होता है। हर एक जगह जहाँ जितने भी ये गेम के एसोसिएशन हैं, अमेरिका में कुछ है, अमेरिका और कनाडा के बीच कुछ है, फिर रशिया के कुछ है जो पुराने रिपब्लिक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो जिस कंट्री में गेम खेला जाता है उस कंट्री के होस्ट को मान्यता दी जाती है। जबकि कॉमनवेल्थ में उल्टा है, यानी कॉमनवेल्थ वो ब्रिटेन की सर्वोपरिता है, तो कॉमनवेल्थ से हमें निकल जाना चाहिए। और अभी एक कानून है, मतलब बिना लिखाया हुआ कानून है, कि ब्रिटेन की क्वीन को यदि इंडिया आना है तो वो बिना पासपोर्ट और वीज़ा आ सकती है और बिना किसी परमिशन के आ सकती है। बहुत सारे हेड ऐसे होते हैं जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं होता और उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, पर उनको एक लेटर दिया जाता है और वो लेटर है वो वीज़ा के इक्विवेलेंट है, मतलब वो इनविटेशन बोलो, या तो वो बोलते हैं कि भाई हमें भारत आने दो, और फिर भारत सरकार उनको लेटर देती है कि हाँ भारत आ सकते हो। तो बहुत सारे कंट्री होते हैं जिनके मोनार्क के पास पासपोर्ट नहीं होता, तो उस मोनार्क को वीज़ा का ठप्पा लगाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता क्योंकि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, पर वो जो लेटर है वो ही अपने आप में एक वीजा हो गया। जबकि जो भारत की जो जो ब्रिटेन की रानी है, ऐसा कहा जाता है, मुझे ठीक से नहीं पता, कि यदि उसको इंडिया आना हो तो उसको भारत की गवर्नमेंट को ना इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, ना परमिशन लेने की ज़रूरत है, बस वो आएगी और उसका सेक्रेटरी वो प्रधानमंत्री को बोल देगा था कि भारत की क्वीन आ रही है और उसका स्वागत का इंतजाम भारत के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। तो हमें कानून ये करना चाहिए कि ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उसका एक भी मेंबर इंडिया नहीं आ सकता, सिवा कि वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। मान लो कि ब्रिटेन का कोई रॉयल मंत्री है, वो एमपी बन गया या पीएम बन गया, तो वो आ सकता है क्योंकि उस समय तो वो पीएम है। लेकिन यदि वो रॉयल फैमिली का मेंबर है, उसके पास कोई गवर्नमेंट की इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, तो वो भारत में नहीं आ सकता। तो इस तरह का हमें कानून पास कर देना चाहिए ताकि ये लिंक खत्म हो जाए। धन्यवाद।